नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। किसानों का हल्लाबोल लगातार जारी है। किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने के चक्कर में किसान हुड़दंग मचा रहे हैं। अब इन्हें किसान कहें या कुछ और, इस बात का फैसला जनता के हाथ में है। बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर पर आ रही किसानों की बाइक रैली में सिकंदराबाद टोल प्लाजा के नजदीक भगदड़ मच गई। इसमें दो किसान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आगे निकलने की होड़ में यह हादसा हुआ, जिसमें कई बाइक एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। दोनों किसानों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बुलंदशहर में सियाना से भारतीय किसान यूनियन के NCR महासचिव मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में किसानों की बाइक रैली शुरू हुई थी। रैली में करीब 400 बाइक को शामिल होना था। बुलंदशहर होते हुए यह रैली सिकंदराबाद टोल प्लाजा पर पहुंची। इसी दौरान कुछ किसानों में रैली में सबसे आगे पहुंचने की होड़ लग गई। इससे रैली में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कई बाइक एक दूसरे पर चढ़ गई थी, जिसमें किसान करीब दो किसान घायल भी हुए हैं। किसान एक दूसरे को ऊपर भी आ गिरे थे। भगदड़ में दो किसान गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। जैसे तैसे माहौल को काबू करके बाइक रैली को आगे तो बढ़ाया गया। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि कार की साइड लगने के बाद बाइक रैली में भगदड़ मच गई, जिससे यह हादसा हुआ। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि किसान किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, उसकी जिम्मेदारी किसान नेताओं ने क्यों नहीं ली? अगर किसी किसान के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या किसान नेता राकेश टिकैत इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन जवाब ना तो राकेश टिकैत के पास होता है और ना ही किसी और नेता के पास। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।